इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय माधेवी एयरपोर्ट अथॉरिटी के आईडी पर एक मेल आया, जिसके बाद एयरपोर्ट अथॉरिटी में हड़कंप सा माहौल बन गया। मेल में एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इस पूरे ही मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई, वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। आज एयरपोर्ट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शिरकत करने वाले हैं। दरअसल पूरे मामले में जानकारी देते डीसीपी विनोद मीना के मुताबिक, शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट माँ देवी अहिल्या एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑनलाइन मेल आईडी पर धमकी भरा मेल आया, जिसमें एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकियां दी गई। एरोड्रम थाने पर प्रकरण दर्ज किया गया है। साइबर टीम भी मेल की जांच में जुटी हुई है कि मेल कहां से आया है। वहीं दूसरी ओर एयरपोर्ट पर आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं, जिसको लेकर तमाम सुरक्षा व्यवस्थाएं और बढ़ा दी गई है। देखिए, कल जैसे कि आप सबको भी पता है कि कल एक मेल आया था हमको, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं एयरपोर्ट के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है, उनके द्वारा हमको कॉन्टैक्ट किया गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी कॉन्टैक्ट किया गया था कि उनको एक ऐसा थ्रेट मैसेज रिसीव हुआ है ईमेल के ऊपर। तो इससे जुड़ी जो भी उनके द्वारा ये भी बताया गया कि जो भी उनके फेस प्रोटोकॉल रहते हैं, जो भी एक्सरसाइज रहती है इससे जुड़ी, सिर्फ जब ऐसा कोई थ्रेट मिलता है तो जो क्या सिक्योरिटी मेजर्स लिए जाने चाहिए, सभी उनके द्वारा लिए जा चुके हैं। तो इस संदर्भ में उनके द्वारा थाना आयोजन पर हमने कायम की है, ताकि पता लगाया जा सके कि ई मेल कहाँ से आया था, किसने भेजा था और उसके पीछे कौन। ये 5-6 लाइन का मेल था, नहीं देखिए एक जेनेरिक सा मेल था, जो जब हमने उसको और इन्वेस्टिगेट किया था, हमें पता चला कि इसने ये जो मेल है कई और एयरपोर्ट्स को भी सेंड किया है, तो इसलिए उसके बाद फिर हमने इसको अभी इन्वेस्टिगेशन में लेके पता लगाएंगे कि थ्रेट का डिग्री क्या था, किस प्रकार का थ्रेट था, और इसको आगे देखेंगे। We'll be right back.